अस्सलाम वालेकुम। तो रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं जो हूँ पी रही हूँ गर्म पानी चिया सीड के साथ और थोड़ा से लेमन के साथ। और आज जो है मैं सुबह ही सुबह इतनी एक्टिव इसलिए हुई भी हूँ कि मुझे जो है आज अब मेरी डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है 11 बजे। मेरी मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है क्योंकि लास्ट वीक जब मैंने अपने डेंटिस्ट को चेकअप करवाया था तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरे दांत में कैविटी हो गई है और वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके लिए मुझे रूट कैनाल की ज़रूरत है। अगर मैं रूट कैनाल नहीं करवाऊंगी तो इसी तरह मुझे ऑन एंड ऑफ तकलीफ रहेगी और फिर ये जो कैविटी होती है ये दूसरे दांतों में ट्रांसफ़र भी हो जाती है, फिर वहाँ पर भी कैविटी होना शुरू हो जाती है, तो जो है इसे स्टॉप करना ज़रूरी है। डॉक्टर ने मेरे डेंटिस्ट ने मुझे कहा कि भैया आप जो है रूट कैनाल करवा ले। तो फिर मुझे जो है मैं तो चाह रही थी वीकेंड का अपॉइंटमेंट मिले। जिस हॉस्पिटल में मैं चेकअप करवाती हूँ मेरा डेंटिस्ट है वहाँ पे जो है सैटरडे को ये सर्विसेज नहीं होती हैं, सिर्फ चेकअप होता है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आपको वीकडेज में आना पड़ेगा। तो फिर आज का मुझे अपॉइंटमेंट मिला था तो अब मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है। तो फिर मैंने कहा भाई 11 बजे का अपॉइंटमेंट है तो मुझे आते आते 1 या 12, 12:30, 1 तो बज ही जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने जो है दाल रख दी है पकने के लिए। इब्राहिम साहब ने 2 दिन से सर में दर्द किया था, मुझे दाल नहीं बना के देनी, तो मैंने कहा चलो एक दाल तो पक जाएगी, बाकी जो है जब मैं आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह ताला देखा जाएगा बाकी क्या होता है। आज अजान का भी पेपर है फाइनली, तो अजान भी आज अपना पेपर देने गया हुआ है, अभी वो 10 बजे आएगा। 10 बजे स्टेप भी उसको लेकर आएंगे और मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। अब भी कौन मेरे बच्चे जो हैं वो अपने बाबा को अब भी बोलते हैं, तो इस पर भी एक दिन इंशाल्लाह ताला पूरा ब्लॉग बनाना है कि हमारे घर में कौन किसको क्या क्या बोलता है। बड़े यूनिक से नेम्स है और आप लोग भी कमेंट्स में मेरे साथ तो शेयर किएगा कि आप लोग के घर में कौन किसको क्या बोलता है। तो बड़े यूनिक निक नेम्स होते हैं सबके घरों के, हमारे घर के भी कुछ ऐसे नाम हैं जो बड़े अलग से हैं। तो मैं अपना गर्म पानी पीती हूँ और इब्राहिम साहब भी अभी सोकर उठ कर आ गए हैं, इसे भी ब्रेकफास्ट करवा लेती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर फ्रेश होके चलते हैं डॉक्टर के पास। इब्राहिम साहब कह रहे हैं जी मुझे जो है आप कोको क्रंच देते हैं, इब्राहिम का दूध गर्म किया है। इब्राहिम को पता है मैं जा रही हूँ तो मैं कुछ सादा सा नाश्ता कर दूँ, मेरा समझदार बच्चा है बहुत। बस फिर इब्राहिम को कोको क्रंच देते हैं। आ जाओ इब्राहिम बेबी, आपका बना लिया मैंने कोको क्रंच। चलो आ जाओ बैठ जाइए। इब्राहिम को मैंने नाश्ता दे दिया है, उसने तो मुझे कहा कि मुझे कोको क्रंच दे दे, तो आसानी हो गई। अब मैं सोच रही हूँ खुद भी नाश्ता जल्दी से कर लूँ क्योंकि जब रूट कैनाल करवाऊँगी तो उसके बाद पता नहीं वैसे भी उसे थोड़ी देर के लिए कुछ खाया जाएगा या नहीं, वो ऐसी ही मेडिसिन की स्मेल वगैरह मुँह में होती है। तो अब मैं बनाती हूँ जल्दी से अपना नाश्ता, पहले नाश्ता बनाऊँगी फिर फ्रेश होंगी। थोड़ी देर के लिए चाय बनाने भी अगर किचन में आते हैं ना तो बस ये हाल हो जाती है, पसीने से बुरा हाल हो जाता है। तो फिर फ्रेश होके फिर किचन में आने का तो दिल नहीं करेगा, तो मजबूरी है पहले नाश्ता करूँगी और फिर फ्रेश होंगी और फिर निकलेंगे जी। तो मेरा नाश्ता हो गया तैयार, मैं खा रही हूँ, मैंने कल बनाया था लौकी चिकन और उसके साथ मैं खा रही हूँ ब्राउन ब्रेड और इब्राहिम साहब जो कि थोड़े से कट रहे हैं खा रहे हैं कोको क्रंच। तो बस फिर नाश्ता करते हैं। आज मुझे ना डेंटिस्ट के पास जाते हुए ना एक अपना किस्सा याद आ गया। हुआ कुछ यूं कि 2018 की बात है जब मैंने अपने दांतों की सारी सर्विसेज करवाई थी कि मेरे जो बैक के जो दो दाढ़े जिन्हें कहते हैं ना जो बिल्कुल पीछे की दाढ़े होती हैं वो जो हो गई थी, बहुत ज़्यादा कैविटी हो गई थी, बिल्कुल ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा इनका कुछ भी नहीं हो सकता है और अगर आप ये दांते हैं अपनी दाढ़ें रिमूव नहीं करवाएंगी तो ये आपके और भी दांतों में जिस तरह की अभी कहा गया कैविटी ट्रांसफ़र होती है तो आप ये रिमूव करवा देना, उनकी रूट कैनाल हो सकती थी ना कुछ, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि बचपन से ही ब्रश और सब चीज़ों का ख्याल रखने के बावजूद, बस ये होता है जीन्स में भी होता है, मेरी अम्मी के भी दांत बड़े कमज़ोर थे तो शायद इसीलिए हमारे भी कमज़ोर है। तो फिर मैंने वो दांत निकलवा लिए तो मेरी खाला जिनका इंतकाल हो गया है उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने भाई मुझे फ़ोन किया, मैंने उन्हें बताया कि मैं दो दाढ़े निकाल दी तो ये वो, उन्होंने बड़ा वो चलो अच्छा हुआ निकाल दिया, अफसोस भी किया गया ये दांत निकल गए और इस तरह बड़े लोगों का जो होता है। तो उनके जो शौहर थे हमारे खालू वहाँ अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत नसीब करे, अब वो भी दुनिया में नहीं रहे, तो वो बहुत ज़्यादा केयरिंग
सबका बहुत ख्याल रखने वाले और सबके लिए परेशान होने वाले, जैसे कि दूसरे की मुश्किल से उनके हम तो कहते ना हाँ अच्छा, लेकिन नहीं बस परेशान हो जाते थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो उनको जब मेरी खाला ने बताया कि सदफ की दाढ़ें निकल गई, तो वो समझे कि मैंने अपने सारे दांत निकलवा दिए, तो किसी वजह से कि मेरे सारे दांत खराब हो गए। तो उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि बेटा क्या हुआ। मैंने कहा जी खालू बस निकाल दिए दांत। तो उन्होंने कहा कैसे खाएगी। मैंने कहा खालू कोई नहीं, हो जाता है गुजारा, इतना नहीं होता है। मैं समझ रही थी वो दो दाढ़ों की बात कर रहे थे और वो समझते थे मैं सारी दाढ़ों की बात करती हूँ। वो कह रहे नहीं बेटा, इतनी तुम्हारी अभी उम्र भी नहीं है और नकली दांतों के साथ तुम सारी जिंदगी किस तरह खाओगी, किस तरह चलोगी। मैं कहा क्यों नकली दांत क्यों। कह रहे तो सारे दांत निकाले तो खाएगी कैसे। मैं कहा खालू सारे दांत नहीं निकाले, सिर्फ दो दाढ़े निकली हैं, बाकी मेरे दांत सही है। वो कह रहे ओहो, मैं तो समझा तुमने सारे दांत निकलवा दिए अपने, और मैं इतना परेशान हो गया कि सारे दांत निकलवा दिए कि अब तो आगे की जिंदगी तू कैसी गुजारेगी, अभी तेरी उम्र ही क्या। हम इतना वो खुद भी हंसे और मैं भी हंसी। और मैं जब भी अब डेंटिस्ट के पास जाती हूँ तो वो मुझे जरूर याद आते हैं। बहुत अच्छे थे, बहुत केयरिंग हमारे खालू थे और हमारी खाला भी बहुत अच्छी थी। अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नत नसीब करे। तो बस ये शेयर करनी थी बाद में से। तो अब मैं करती हूँ नाश्ता, जो कि मेरा नाश्ता हो रहा है ठंडा, और फिर जल्दी से फ्रेश होके जाना भी है। तो बस अभी मैं हो गई हूँ तैयार, और तैयार कर होके वेट कर रही हूँ मंसूर का। फ्रेश हो गई थी और फ्रेश होके भाई थोड़ा सा ब्लो ड्राई करके मैंने फ़ौरन से बाल बांध दिए हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है। पहले मैं सोची थी क्लिप कर लूँ, थोड़े से आधे बाल खोल लूँ क्योंकि गीले होते हैं, लेकिन नहीं भाई, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है और बाहर तो आपको पता है इससे भी ज़्यादा गर्मी होती है। और ये जो मेरा चेहरा इतना चमक रहा है ना, मैंने बहुत सारा सनब्लॉक लगाया है क्योंकि भाई बाहर जा रहे हैं, स्किन की तो प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो बस फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम भी हो गए हैं। अब ज़ारा के बाकी घर के काम सारे कर लेगी। फ़ज़ान इब्राहिम क्योंकि घर पर होंगे तो ज़ारा आके सारा काम कर देगी। और देखो मैं कब फ्री होकर आती हूँ, तो क्या हमें मंसूर का वेट हो रहा है, जैसे ही वो आएंगे अज़ान को लेके और फिर हम निकल जाएंगे। घर आ गई थी और बस फिर खाना वाना खाया, और खाने से फ्री होके थोड़ा सा मुझे पेन था क्योंकि उस वक्त उन्होंने सुन कर दिया था, तो बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, सिर्फ इंजेक्शन लगाने का हुआ। उसके बाद कोई ट्रीटमेंट में कोई मुझे पेन नहीं हुआ, लेकिन जब जाहिर बात है सुन टूटा तो थोड़ा सा ये फेस और ये सब भारी सा हो रहा था। तो फिर मैं खाना खा के नमाज पढ़ के थोड़ा सा टेबलेट लेके सो गई थी, और अभी उठी हूँ, अभी मैंने असर पड़ी है। और इसके बाद जो है अभी बस फिर चाय वाय बनाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। और आज मंसूर की भी छुट्टी है तो वो घर पर है, तो इसीलिए तो अभी बस फिर हम चाय और टी पार्टी करते हैं टूटे हुए दांत के साथ। वैसे मुझे कोई परहेज नहीं बोला है, बस ये कहा है कि ना यहाँ इस साइड से ना मुझे बस चबाना नहीं है, वो भी 3-4 दिन बस, यहाँ से ज़्यादा कोई सख्त चीज़ नहीं चबानी है। बाकी उन्होंने कहा आप सब खाएं ठंडा गरम, कोई ऐसी किसी चीज का परहेज नहीं है, तो बस फिर परहेज नहीं करेंगे, फिर हम भी खाएंगे। आज जो है मेरी दांत के रूट कैनाल की खुशी में हमने जो है ये एक अपने घर के पास हमारे एक छोटी सी शॉप खुली है समोसों की, जो हमने डिस्कवर की है, और ये बहुत मज़े के हैं। और जिस तरह के बड़ी बड़ी बेकरी के होते हैं जो कि बिल्कुल भी मज़े की नहीं होते और इतनी ज़्यादा उसमें गंद वाला होते हैं, इतने लाइट से और बहुत मजे के। और ये इब्राहिम थे नमक पतोड़े वो नमक पारों को अच्छा सीख के नहीं बोलना, वैसे इब्राहिम नमक पतोड़े बोलता था और आज कह रहा नमक पारे। और ये पाकिस्तानी, और ये हमारी चाय, और ये हमारी टी पार्टी हो रही है, और ये रीमान पोतो थाने बहुत मेरा इब्राहिम। चले हम चाय पीते हैं फिर। है रात के बज रहे 11 और मैं आज कावा लेट हो गया अपना, कह रहा मैं टी बनाने में लेट हो गई, कह रही हूँ लेट हो गया। तो जैसे ही हम आए किचन में, और मैंने अदरक भी कूट के अपनी ये सॉस पैन में कर दी, और मंसूर भी आज घर में थे उनको भी पीना था, और ये हो गया जी। हमें पता ही नहीं था कि 11 बजे के बाद गैस नहीं आती, क्योंकि हम तो जो है 10 बजे अपना किचन वाइंड अप कर देते हैं, तो अब क्या करें। फिर मैंने कहा क्या करें, वो मैंने अदरक वगैरह सब जो है
पीस लिया था पानी में, तो उसे ज़ाया करने से अच्छा है मैंने कहा कि मैं माइक्रोवेव में ग्रीन टी बना लूँ। तो जिस तरह मैंने रमज़ान में चाय बनाई थी, इसी तरह मैं माइक्रोवेव में आज अपनी कैलेमाइन टी बना रही हूँ। ये बन रही है हमारी कैलेमाइन टी, और बस इसी के साथ। और यहाँ पे जो है हम सब पढ़ रहे हैं, कल अजान का केमिस्ट्री का P1 है, तो ये वहाँ पे उसकी तैयारी हो रही है। और ये जो है फारिग तरीन इंसान साहब प्ले कर रहे हैं अपने अब्बी के साथ, बॉल कैच कैच खेल रहे हैं, क्योंकि इब्राहिम आजकल बहुत लेट सोता है, लेट उठता है, वेकेशन इंजॉय हो रही है फुल टाइम। और ये हमारी, मुझे तो नहीं लगता कि ये अभी बनी है, नहीं अभी तक तो नहीं बनी है, अभी हम इसे एक मिनट के लिए और रखते हैं। और इसी के साथ आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। इब्राहिम सबक खैर बोलो।